गिरिराज सेना प्रमुख कमल देव गिरी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए परिवार के लोग भी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखेंगे। उन्होंने कहा कि कमल देव गिरी को हत्यारों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें फांसी होनी चाहिए, ये प्रयास किया जाएगा। रघुवर ने राज्य सरकार पर में निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में पाप का घड़ा भर चुका है। आए दिन जज पत्रकार की हत्या हो रही है और बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। 17 नवंबर को कमल देव गिरी की अस्थि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जाएगी। इस दौरान हम लोगों को शांति बनाए रखना है। साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में कमल देव गिरी के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ा है। कानून का पालन करने वाले हम लोग। जो घटना हुआ कितनी निंदनीय मानते हैं? घटना बहुत ही निंदनीय है और ये पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये हत्या हुई है। और 3 दिन हो गया एसआईटी गठन के बाद भी कोई अभियुक्त नहीं पकड़ा जाना, ये संदेह व्यक्त करता है कि पूरी तरह से राजनीतिक हत्या है। इस घटना की मैं निंदा करते हुए सीबीआई से जांच की मांग करता हूं और इस संबंध में हम लोग भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी बात करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करेंगे और उनके परिवार के लोग भी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उनके परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अविलंब सीबीआई को रेफर करें। इसलिए ना 3 दिन हो गया, प्रशासन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाया और वहाँ पूरा कोल्हान के लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्या है, इसलिए इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देने का कोशिश करेंगे, परिवार की क्या भावना उनको सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, पूरे देश भर के एक एक कार्यकर्ता उस पीड़ित परिवार के साथ है, उसे न्याय दिलाकर दम लेगी भारतीय। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।